आपके साथ शिल्पी मिश्रा। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। गुना में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कार्यक्रम को लेकर बवाल अभी भी जारी है। इससे जुड़ी एक नई शिलापट्टी का सामने आई है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गुना में 23 जुलाई को हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कार्यक्रम की ये तस्वीरें सुर्खियां बनी थी। कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह को सुरक्षा कर्मियों ने धक्के देकर मंच से नीचे उतारा था। वो कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बुलाए जाने से खफा थे। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। कार्यक्रम से जुड़ी एक शिलापट्टिका सामने आई है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के नाम है, लेकिन इस शिलापट्टिका को अब तोड़ा जा चुका है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर के जरिए इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं महेंद्र सिसोदिया का आरोप है कि ये वही शिला पट्टिका है जिसे सबसे पहले तैयार किया गया था, लेकिन सीएम शिवराज और बीजेपी नेताओं के दबाव में नई शिला पट्टिका तैयार कराई गई, जिनमें से कांग्रेस नेताओं के नाम हटा दिए गए। प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य किसी नेता के दबाव के कारण कलेक्टर और पूरे समस्त प्रशासन ने उन पट्टिकाओं को बदला और बदलने के बाद नई पट्टिकाओं को लोकार्पण समारोह में प्रदर्शित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह कल भोपाल के टीटी नगर थाने में गिरफ्तारी देंगे। उन पर सीएम शिवराज ने कथित रूप से देशद्रोह का आरोप लगाया है, इसी के चलते उन्होंने गिरफ्तारी देने का फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ भोपाल के टीटी नगर थाने में गिरफ्तारी देंगे। ये गिरफ्तारी कल 26 जुलाई को दी जाएगी। गिरफ्तारी के लिए दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ऑफिस से जुलूस लेकर जाएंगे। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक बयान में दिग्विजय को देशद्रोही कहा था। अब दिग्विजय ने शिवराज को चुनौती देते हुए कहा कि वो गिरफ्तारी तो देंगे, लेकिन फिर शिवराज उनके देशद्रोही होने का सबूत पेश करें। सबूत पेश नहीं कर पाने की हालत में दिग्गी राजा मुख्यमंत्री शिवराज पर मानहानि का मुकदमा भी ठोक सकते हैं। रायसेन में भारी बारिश से एक स्कूल को जाने वाली सड़क खस्ता हालत में पहुंच गई है। बच्चों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रायसेन के मुहार गांव के बच्चे कीचड़ वाले स्कूल में पढ़ते हैं। जी हाँ, कीचड़ वाला स्कूल। स्कूल पहुंचने में बच्चों को जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसी के चलते बच्चों ने स्कूल का ये नामकरण कर दिया है। बारिश के चलते रास्ते में इतनी गंदगी हो गई है कि कभी भी बच्चे फिसल कर घायल हो सकते हैं, लिहाजा वो अपने जूते चप्पल हाथों में लेकर चलते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद काफी वक्त पैरों से गंदगी छुड़ाने में जाया हो जाता है। स्कूल पहुंचने में बच्चों को हो रही परेशानी पर अब डीईओ से बात की गई तो वो कार्रवाई का भरोसा देते नजर आए। मेरा नाम राजकुमार है, मैं स्कूल आता हूं तो मैं कीचड़ में से आता हूं तो मैं खो जाता हूं। आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, वरिष्ठ कार्यालय को सूचित कर दिया जाएगा। और हालांकि ये रोड तो सरपंच या रोड जो सड़क निर्माण विभाग है उनका काम है। स्कूल के रास्ते का ये हाल तब है जबकि ये गांव प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह के विधानसभा क्षेत्र में आता है। सरकार स्कूल चले अभियान तो चला रही है, लेकिन बच्चे स्कूल सुरक्षित कैसे पहुंचे यहां ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। झाबुआ में शासकीय कर्मचारी संघ ने हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक वो आंदोलन पर ही रहेंगे। झाबुआ में शासकीय कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इनके हड़ताल के चलते कलेक्टर कार्यालय सहित अन्य विभागों के काम प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर झाबुआ के अलग अलग रास्तों से रैली निकाली। उसके बाद वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कर्मचारियों ने वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक वो आंदोलन पर ही रहेंगे। बारिश के दिनों में नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों के आने जाने के कई रास्ते बंद हो गए हैं। लोग जुगाड़ के जरिए रास्ते निकाल रहे हैं। मंदसौर के दमदम गांव के लोगों की जान बारिश के दिनों में जोखिम में पड़ गई है। यहाँ बहने वाली सोमली नदी पर पुलिया नहीं है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग नाव का खर्च नहीं उठा सकते, लिहाजा जुगाड़ की नाव के जरिए वो नदी पार कर रहे हैं। चार ड्रमों पर पटिया बांधकर तैयार की गई है नाव कभी भी हादसे की वजह बन सकती है। बारिश के दिनों में नदी पार करने का अकेला यही एक जरिया है। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से पुलिया की मांग करते करते थक चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का फैसला ले लिया है। सर, ये चार ड्रम में हम जान जोखिम डाल के पार करते और
कुछ नहीं हुआ अभी तक, 5 साल हो गए। अच्छा। विधायक और अध्यक्ष प्रधानमंत्री सबको जाके चले गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ। पानी आता तो यहीं रह जाते, पानी आता उधर रह जाते हैं हम। आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया गया है कि दम दम गांव से जाने के लिए नदी के किनारे हो सके और पीपा पुल के माध्यम से लोग नदी क्रॉस करते हैं, तो ये तथ्य अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, इसमें हम परीक्षण कराकर विधि संगत कार्रवाई कर रहे हैं। मंदसौर के कलेक्टर कार्यालय में एक महिला ने अपने बच्चों के साथ आत्मदाह की कोशिश की। महिला एक थाना प्रभारी की शिकायत लेकर आई थी। मंदसौर के कलेक्टर कार्यालय में तब खलबली मच गई जब एक महिला ने अपने बच्चों और खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। महिला कोतवाली थाना पुलिस पर मारपीट की शिकायत लेकर आई थी। उसका आरोप है कि कोतवाली थाना TI ने उसके बच्चों और उसके साथ जमकर मारपीट की, लेकिन पुलिस अधिकारी शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे। कलेक्टर कार्यालय में मौजूद लोगों ने महिला से माचिस छीन कर उसे खुदकुशी करने से रोका और घटना की खबर पुलिस को दी। सागर के बिलहरी गांव में एक खेत में गांजे की खेती का मामला सामने आया है। पुलिस ने गांजे का पेड़ जब्त करते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। केसली इलाके के ग्राम बिलहरी में एक युवक ने अपने खेत में गांजे का पेड़ उगा रखा था। केसली पुलिस को जब एक मुखबिर से इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर पेड़ बरामद किया गया। जब्त गांजे का पेड़ 2 से 3 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसकी मोटाई 6 इंच और वजन 4 किलोग्राम है। पुलिस ने आरोपी काशीराम लोधी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश कर दिया है। सागर के खुरई में पुरानी रंजिश की वजह से एक युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। सागर के खुरई में बरौदिया नौनगर गांव के एक युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में चाचा चाची और 2 चचेरे भाइयों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मरने वाले का नाम ब्रजेश कोरी और उसकी उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है। भोपाल के बैरसिया में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत के बाद मरने से पहले का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। भोपाल के बैरसिया के जैन कॉलोनी में रहने वाले राजेश साहू उर्फ गोलू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के मरने के बाद उसकी खुदकुशी करने से पहले का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उसने अपनी खुदकुशी का राज जाहिर किया है। मृतक ने वीडियो में क्या कहा, आप भी सुनिए। मुझे माधो मीना परवरिया वाले से 5 लाख रुपए लेना है, वो मुझे दे नहीं दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत विनती कर चुका हूँ मैं उनसे कि मैं अति परेशान हूँ। और छोटू मेरा, अनिल मेरा बड़वाई वाले से भी मुझे 4.5 लाख रुपए लेना है। दोनों पार्टियां मुझे पैसे नहीं दे रही हैं। कुछ लोगों को मुझे भी देना, किसी को 50, किसी को 25, किसी को 30, ऐसे करके मुझे 2 लाख रुपए देना है। उन लोगों को मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा हूँ। मैं पेमेंट उन्हें टाइम पे नहीं दे पाया हूँ तो मेरा बहुत परेशान हूँ। तो मैं विनती चाहता हूँ कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मेरा पैसा मेरे घर वालों को दिलवा देना। ओके, बाय, गुड नाइट। इस मामले पर बैरसिया थाना प्रभारी SN पांडे का कहना है कि अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई वीडियो नहीं आया है, यदि आता है तो वीडियो की जांच कराकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरबा के भचपेड़ी सुहागपुर में पुलिस ने 9 जुआरियों को पकड़ा है। जुआ एक्ट के तहत सभी जुआरियों पर कार्रवाई की जा रही है। कोरबा के उर्गा थाना इलाके के पचपेड़ी सुहागपुर में पुलिस ने 9 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मुखबिर से सूचना मिलने पर उर्गा थाना की पुलिस ने जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को पकड़ा है और उनसे 300 रुपए के साथ ताश की गड्डियां भी बरामद की हैं। सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर सूचना मिला था कि पचपेड़ी सुहागपुर में कुछ ग्रामीण लोग वहाँ बैठ के मंदिर के पास स्थान पर जुआ खेल रहे हैं, तो सूचना तक देखी तो टीम बना के भेजा गया था इस से, जहाँ पे 9 जुआरियां जुआ खेलते पाए गए। उनके कब्जे से 2800 रुपये और मोहनपुर के ताश मिला है। उनका आरोपियों को थाना लाकर के जुआ तक कार्रवाई की जा रही है। खरगोन के कसरावत में 2 पक्षों का आपसी विवाद उन्हीं पर भारी पड़ गया। विवाद में दोनों ही पक्षों के लोग घायल हो गए। विवाद इतना बड़ा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया।
खरगोन जिले के गांव सुरवा में दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया। विवाद में लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर व तीर से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके चलते एक परिवार के चार लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं दूसरे पक्ष की एक महिला कमलाबाई भी घायल हो गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस को खबर की गई। मौके पर पहुंची बलकवाड़ा पुलिस ने घायलों को कसरावद अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। कहते हैं कि दिल में जज्बा हो तो रास्ते में हजारों अड़चनें भी जज्बे के आगे कुछ नहीं होती। जी हाँ, ऐसी एक तस्वीर देखने को मिली गरियाबंद के कदली मोड़ा प्राथमिक शाला के बच्चों में। गरियाबंद में कदली मोड़ा के प्राथमिक शाला के बच्चे नवागुरिया पारा से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ाई करने जाते हैं। स्कूल जाने के रास्ते में कीचड़ बहुत होता है, जिस वजह से बच्चे नहर के मेड़ से स्कूल जाते हैं, जहां आए दिन बारिश के दिनों में सांप बिच्छू और जहरीले जीव निकलते हैं। लेकिन फिर भी जान की बाजी लगाते हुए बच्चे पढ़ना चाहते हैं। रास्ते से आते हैं, बारिश के ऋतु में सांप बिच्छू ककरा वगैरह रहता है। रोड के किनारे से ज्यादा कीचड़ होता है, इसलिए रोड से नहीं आते हैं, किनारे से आते हैं, तो यहाँ पर बिच्छू और सांप ज्यादा निकलता है। उसके बाद बरसात में पानी से फिसल जाते हैं बच्चे लोग, कई बच्चे लोग किनारे में। बता दें कि नवागुरिया पारा की दूरी स्कूल से 1.5 किलोमीटर है। इस मोहल्ले से 25 बच्चे पढ़ने के लिए प्राथमिक शाला कदली मोड़ा जाते हैं। कभी कभी बारिश ज्यादा होने से परिजन बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, लेकिन बच्चों के हौसले के आगे परिजन भी हार मान जाते हैं। कभी कभी बच्चों को उनके परिजन स्कूल छोड़ देते हैं। बारिश से केनाल के रास्ते में फिसल कर गिरने का डर भी बना रहता है, लेकिन कड़ी चुनौती में भी बच्चों ने स्कूल जाना अपना लक्ष्य बना लिया है। हाँ सर, महबूरिया पारा से शासकीय प्राथमिक शाला कदली मोड़ा में पढ़ने आते हैं। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है और जिस रोड से आना जाना करते हैं उधर पानी बरसात में अधिक कीचड़ हो जाता है, तो केनाल का जो मेड़ बना हुआ है उधर से ही आना जाना करते हैं बच्चे लोग, जिससे फिसलने की संभावना है और फिसलते भी रहते हैं।